गर्ल्स वुमेन कार्ड खेलना अब बंद करो, बहुत हुआ। बात इक्वालिटी, सेंसिटिविटी और ह्यूमैनिटी की करो। लालची कोई भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है। इसे लड़के या लड़की के तराजू में तोला ना करो। इंसानियत को किसी कसौटी पर आंकी नहीं जा सकती। आंसू तो किसी के भी हो, छलक सकते हैं। इसे बांटी नहीं जा सकती। दिल किसी का भी हो, वो पिघल ही जाता है। ये सब इंसानी इमोशंस हैं, किसी का भी हो बदल ही जाता है। सोचो जब किसी गर्ल के साथ कुछ भी गलत होता है, चाहे वो आयशा की सुसाइड का हो या हो हमारी निर्भया का, कोई भी प्रोटेस्ट हो, इन बॉयज का पूरा सपोर्ट मिलता है। कोई अपनी नौकरी खतरे में यूं नहीं डालता। जरा इनकी रेटिंग पे नजर तो डालिए। जी हाँ, कोई इतनी जल्दी 4.5 की रेटिंग नहीं बनाता। बिहेवियर किसी की एक दिन में जज नहीं की जा सकती। और दोस्तों, एक अच्छा इंसान कभी भी मुफ्त का खाना खाने की इच्छा नहीं जताता। हितेशा, आपने हम पूरी महिला वर्ग को शर्मिंदा कर दिया है। आज आपकी एक रिंग की बदौलत, किसी भले इंसान के चरित्र को गंदा कर दिया है। मुझे शर्म आती है यह सोचकर, कैसा हो गया है यह आज का भारत, जहां लड़कियों को देवी के जैसे पूजा करते थे, आज वहीं कुछ लड़कियां पब्लिसिटी पाने के चक्कर में किसी मासूम की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेला करती हैं, तो आप क्या सोचते हैं? मैंने अपने विचार शेयर कर दिए हैं, जो थे पूरे दिल से। आप ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहें मेरे चैनल से, चांदनी के दिल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।